जन्माष्टमी पे आप देख रहे हैं इस समय हमारे पीछे किस तरीके से खरीदारी चल रही है यहाँ पे काइट्स की। हर साल यहाँ पे काफ़ी रश होता था, मगर इस बार जो ज़्यादा रश तो आपको देखने को नहीं मिलेगा, मगर ख़रीदारी अभी भी कुछ लोग आए हुए हैं यहाँ पे काइट्स खरीद रहे हैं। इस बार जो है वो असर आपको कोरोना वायरस को लेकर आपको सड़कों पर देखने को मिलेगा, दुकानों में देखने को मिलेगा। और इस बार इनका कहना है कि जिस तरीके से हर साल बड़ी मात्रा में लोग आते थे, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से आते थे, और ये सेंटर प्लेस है इस समय पक्केडगे एरिया, यहाँ से ही जो है सारे एरियाज़ में जो है काइट जाती थी, मगर इस बार जो है कोरोना वायरस के चलते बहुत ज़्यादा बिक्री तो नहीं हुई है, मगर फिर भी कुछ लोग जो हैं आज लास्ट दिन हैं, आज ख़रीदारी में व्यस्त हैं। क्या नाम है आपका? तावेश। तो आज लास्ट दिन है, आप यहाँ पे ख़रीदारी करने आए हो, काइट्स लेने आए हो? हाँ जी। तो क्या क्या कौन कौन सी काइट्स आपने लेनी है आज? आज हमने हर कलर की लेनी है और अलग अलग टाइप की। कौन कौन सी आपको पसंद है, क्या क्या लेना है? जैसे ये है वो सारी थोड़ी थोड़ी। तो सबसे ज़्यादा कौन सी आप काइट उड़ाना पसंद करते हो और कौन सी डोर यूज़ करते हो? मैं यूज़ करता हूँ चरखड़ी और ये काइट सारी। और बस तो अभी आपको यहाँ पे काइट्स मिल गई जो आपको चाहिए? हाँ जी। कल जन्माष्टमी है और बाजारों में आपने देखा होगा आज खरीदारी पे काफ़ी जोर है, मगर इस समय हम एक काइट की शॉप में आए हैं, यहाँ पर आपको दिख रही होंगी पतंगे पीछे, मगर इस बार इनका कहना है कि जिस तरीके से हर साल यहाँ पर रश होता था, इस बार जो है वो मंदी का सामना करना पड़ रहा है। क्या नाम है आपका? परवीन। परवीन जी, बताइए कितना सामान जो आप बनाते थे काइट्स वगैरह, कितना असर पड़ा है इस बार बाजार में? बहुत असर पड़ा भैया, इस बार तो काम ही नहीं है। काम होता था पहले, जिस दिन पहले काम होता है, इस बार तो है ही नहीं, बिल्कुल काम नहीं। तो क्या लगता है आपको कि क्या वजूहत है? कोरोना वायरस को लेके लोग जो हैं वो इसलिए नहीं आ रहे हैं कि और भी कोई वजूहत है कि जैसे कारीगर नहीं है आपके? भैया कारीगर भी नहीं है, तो जो ये कोविड-19 चल रहा है उसके वजह से भी आया थोड़ा। कितना असर पड़ा है? बहुत असर पड़ा, काफ़ी असर पड़ा पीछे से। तो आज का तो लास्ट दिन है, आज तो यहाँ पे कम से कम हम पिछली बार जब देखते थे तो दुकानें भरी होती थी, आज तो कोई भी नहीं हमें देखने को मिला। आए नहीं कोई बाजार में, देख लो आप, कोई नहीं मिलेगा आपको, बंदे की याद नहीं मिली, काम ही नहीं है, ऐसे सुबह से बेले बैठे हैं। तो जो आप लोगों के साथ जो लोग काम कर रहे हैं, जो लोकल कारीगर है, जो लोग दूसरे जुड़े हैं, उनको तो काफ़ी मंदी देखनी पड़ेगी इस साल। हाँ वो तो बात है, इस बार आए नहीं कोई कारीगर ही नहीं आए। तो जो डोर है आपने देखा होगा कि चाइनीज़ डोर पे बड़ी बात होती है कि चाइनीज़ डोर जो है वो नहीं बिकनी चाहिए, मगर फिर भी आप हर साल देखेंगे, इस साल भी आपने देखा होगा कि चाइनीज़ डोर जो है वो बिक जाती है जबकि गवर्नमेंट ने बैन किया है। क्या आपको लगता है कौन बेचता है, किस तरीके से बिकती है वो? यही लोग बेचते हैं, इधर के लोग बेचते हैं, और किसने बेचनी है, बाहर वाले लोग होते हैं, बाहर से आती है कोई, बारों बार बेच देता है, और क्या करें। तो इस पर तो गवर्नमेंट ने बैन किया हुआ है? बैन किया हुआ, बैन तो है, हम तो बेचते नहीं भाई, दो नंबर से भेज जाते हैं। हाँ दो नंबर से बेचते हैं लोग, बारो बार बेच देते हैं, हमारे दूसरी चटकी चुटकी वगैरह रखी तो है। क्या आपको लगता है कि जो लोकल डोर है और जो चाइनीज डोर है उसमें क्या फ़र्क, कितना अंतर कितना है, क्या लगता है? वो ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की होती है कि इसलिए बिकती है ज़्यादा? सर क्वालिटी तो अच्छी होती है, लेकिन प्लास्टिक होती है वो टूटती नहीं है, या टूट जाती है, जान ले लेती है लोगों की। हाँ जान तो लेती। तो आपने देखा यहाँ पर इस समय जब मैं एक काइट की शॉप में हैं, यहाँ पर हर साल इतना रश होता था कि यहाँ पाँव रखने की जगह नहीं है, इस साल आप देखेंगे इन दीवारों पर काइट्स ही मिलती थी, मगर आज बिल्कुल यहाँ पर आप देखेंगे इनकी दीवारें भी बिल्कुल खाली हैं, काइट का गोडाउन है ये, यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा जिस तरीके से हर साल यहाँ बंडल्स के बंडल पड़े होते थे, मगर इस बार यहाँ पर बिल्कुल भी आपको देखने को ऐसा कुछ नहीं मिलेगा। अभी हम और लोगों से भी जानेंगे, इनसे बात करेंगे कि क्या वजूहत है ज़्यादा कोरोना वायरस को लेकर, या लोग जो हैं वो इस बार ज़्यादा अवेयर हो गए हैं, नहीं यूज़ कर रहे हैं इसको। हमारे साथ इस समय रमेश मल्होत्रा हैं, ये इस शॉप के ऑनर हैं। सर आप बताइए कितना काम है, लास्ट दिन है आज, किस तरीके की बिक्री है? देखो काम बहुत अच्छा जो रखी गई है, बीते दिन की बात जो मैं सुना रहा हूँ, कम से कम 20 साल के बाद ऐसा सीज़न लगा है, क्योंकि उसके पहले बिफोर लॉकडाउन था ना, जो लोगों को 3 दिन मिल गए काइट उड़ाने के लिए, सैटरडे संडे और मंडे, मंडे को राखी थी, लोगों को 3 दिन मिले, इसलिए हमारा काम बहुत अच्छा लगा, कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं आई हमारी। जो अभी रूटीन में काम चल रहा है, तो वैसे भी जन्माष्टमी में काम थोड़ा कम होता है, बट ठीक चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है काम की।
तो जो आउटस्कर्ट से आते थे अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से यहाँ पर, तो आपने देखा है कि ये मेन हब है, यहाँ पे काइट्स मिलती है, तो इस बार आ रहे हैं लोग? नहीं, इस बार जो पंजाब से आते थे ना दुकानें लगाने के लिए, वो लोग कम आए हैं। जो जैसे पंजाब के दो चार आदमी इधर फिक्स हैं, परमानेंट इधर ही रहते हैं, वो लोग काम कर रहे हैं। जो जर्नल लोग आते थे वो दुकानें नहीं लगी, बाकी लोगों ने लगाई हुई दुकानें। जो डिस्ट्रिक्ट से आते हैं, जो डिस्ट्रिक्ट से आते हैं वो आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है उनको। जो इंटरस्टेट से आते थे उनकी दिक्कत है, जैसे पंजाब से किसी ने भी आना वो नहीं आए हैं। तो क्या कहेंगे जो इस समय जो गट्टू बिकता है उससे काफ़ी जाने जाती हैं, तो गट्टू कहाँ से बिकता है, कैसे बिकता है, अगर गवर्नमेंट ने उसमें बैन किया? वैसे तो गट्टू मेरे हिसाब से 101% नहीं बिकना चाहिए, क्योंकि अभी 3 बच्चे हमारे इधर मर चुके हैं। अगर मेरे परिवार का अगर एक भी बच्चा मरता तो मुझे पता लगता कि मैंने आज के बाद गट्टू नहीं बेचना, जबकि हमने पहले से ही, मैं जब से इधर बैठा हूँ हमने पहले ही कसम खा ली थी कि गट्टू नहीं बेचना, क्योंकि उनका बच्चा गया या मेरा बच्चा गया कोई अलग नहीं है। तो हम सबको ये अवेयर करेंगे कि आज के बाद गट्टू देखना भी नहीं चाहिए, बेचना तो बहुत दूर की बात है। अब मैं देखिए जितनी डोर लगी है मेरी 100% कॉटन है, इस पर लिखा होता है ये बरेली से डोर आती है, जो गट्टू मांगता है उनको पूरी कंपटीशन में डोर बोलते हैं। और गट्टू एक ही तरह का, अगर 100 आदमी गुड्डी उड़ा रहा है 100 का 100 गट्टू उड़ा रहा, उसमें गुड्डी में कंपटीशन कहाँ से होगा? हम सबको अवेयर कर रहे हैं कि इसको छोड़ो। जो पहले पतंगबाजी में जैसे जो अच्छे लोग थे वो पतंग उड़ाना बंद कर दिए हैं, जब से गट्टू चला अच्छे लोग पतंग नहीं उड़ा रहे हैं, जो सच्चाई है। तो आजकल की जो जनरेशन है वो भी समझदार है, उनके जो पेरेंट्स हैं बहुत समझदार हैं। शरारती तत्व होता है ना जो, कि मेरी गुड्डी कटनी नहीं चाहिए, लोगों की कटनी, बंदा कट जाए गुड्डी नहीं उनकी कटनी चाहिए। लोगों को बहुत समझा रहे हैं कि बंदा मारने से पहले गुड्डी अपनी कट जाएगी, ज़्यादा से ज़्यादा आप काटन की डोर इस्तेमाल करें। तो क्या आपको लगता है कोई मिली भगत है, या इस पर जो आप लोगों की एसोसिएशन होती है उसको संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि हर साल कोई ना कोई मरता है? बिल्कुल, हमारी एसोसिएशन को एक बड़ा डिसीजन लेना चाहिए, ठीक है ना। जैसे हमारी स्टेट में जो ये हमारे सीडी डीजीपी हो गए, एसएसपी, इनको एक बिफोर मीटिंग करवानी चाहिए हमारी, सबको बुला के मीटिंग करा। अभी जो हमारे चौकी अफसर है इन्होंने हमको बताया 15-20 दिन पहले बुलाया था, पर जिसकी भी दुकान पे ये गट्टू भी मिल जाएगा उसकी दुकान सील कर देंगे। उन्होंने, मैं कहता हूँ उन्होंने बहुत अच्छा स्टेप लिया, उनकी वजह से हमने काफ़ी मतलब हद तक 101% जो बंदे बेच भी रहे थे उन्होंने भी बंद कर दिया होगा मेरे हिसाब से, क्योंकि मैंने नहीं देखा किसी दुकानदार को गट्टू। जब भी कोई इधर आता परेशान होकर, हम उसको बस यही बोलते हैं जय माता दी, गट्टू बोलते हैं, हम बोलते हैं जय माता की, बोलते हैं यार चक्कर क्या? मैंने बोला बच्चा मारना या गट्टू आप गुड्डी उड़ाना चाहते हो ये बताओ? वो तो नहीं यार, वो तो बात सही है मगर डिमांड है। मैंने बोला आप देख लो बच्चे मारने हैं या गुड्डी उड़ानी है, सब यही समझाना शुरू करिए। मगर वो आपकी बात सही है कि जितने दुकानदार हैं कम से कम 2 महीने या 3 महीने इनकी मीटिंग करवा देनी चाहिए कि इनको बिल्कुल स्ट्रिक्टनेस होनी चाहिए, और हमको मजा आएगा फिर। मतलब देखो डोर तो हमारी बिकनी है, लोगों ने गुड्डी उड़ानी है, चाहे गट्टू से उड़ाए चाहे डोर से। अगर गट्टू मिलेगा ही नहीं पीछे से हो जाएगी, तो हमको तो डोर ही बेचनी है। पूरी उम्र 200 साल 500 साल हजारों साल जो पवित्र त्यौहार चल रहा है, लोग डोर ही उड़ाते थे ना। ये अभी चाइनीज जो रही है लोग तो पागल हो गए हैं, जो अच्छे लोग तो कार्ड उड़ाना बंद कर दे। तो अभी आप देख रहे हैं यहाँ पर इनका दावा है कि इस बार इन्होंने जो है वो हर साल की तरह प्रण लिया है कि ये गट्टू नहीं बेचेंगे, मगर आपने देखा होगा हाल ही में एक आदमी जो है उसकी जो है एक लोग एक आदमी की डेथ हुई है इससे, और कल ही एक आदमी और भी जख्मी हुआ था। इस समय आपको हम दिखा रहे हैं कि जो मार्केट है वो किस तरीके से यहाँ पर इस समय काम चल रहा है। इनका कहना है कि पिछले काफ़ी सालों के तहत इस बार काम ठीक है, ज़रूर जो लोग बाहर से आते थे वो नहीं आए हैं, मगर कुछ और दुकानदार हैं वो उनका अलग कहना है, उनका कहना है कि इस बार जो है उनको मंदी का सामना करना पड़ रहा है। आप जुड़े रहें NH1 News के साथ।